ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। ईमानदारी से मेहनत करके ही अपना पेट पालना चाहिए। सभी एक समान हैं और सब ईश्वर की संतान हैं। जब भी किसी को मदद की आवश्यकता पड़े, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। संसार को जीतने के लिए अपने कमियों और विकारों पर विजय पाना भी जरूरी है। घमंड कभी भी मनुष्य को मनुष्य बनकर नहीं रहने देता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहो। धन को अपनी जेब में ही रखना चाहिए, अपने दिल में नहीं। चिंता से दूर रहकर अपने कामों को करते रहना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई से जरूरतमंद की भलाई भी करनी चाहिए। भगवान पर वही विश्वास कर सकता है जिसे खुद पर विश्वास हो। यह दुनिया सपने में आए हुए एक ड्रामे के समान है। भगवान उन्हें ही मिलते हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं। दुनिया में कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि बिना गुरु के ज्ञान को पाया जा सकता है। वहम और भ्रम हमें छोड़ देना चाहिए। कभी भी उसे तर्क से नहीं समझा जा सकता है, चाहे तर्क करने में अपने कई सारे जीवन लगा दें। तेरी हजारों आंखें हैं, फिर भी एक आंख नहीं। तेरे हजारों रूप हैं, फिर भी एक रूप नहीं। सिर्फ वही शब्द बोलना चाहिए जो शब्द हमें सम्मान दिलाते हों। बंधुओं, हम मौत को बुरा नहीं कहते। यदि हम जानते कि मरा कैसे जाता है। यह दुनिया कठिनाइयों से भरी है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो लोग अपने घर में शांति से जीवन व्यतीत करते हैं, उनका यमदूत भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सच्चा धार्मिक वही है जो सभी लोगों का एक समान रूप से सबका सम्मान करता है। प्रभु को पाने के लिए प्रभु के गीत गाओ, प्रभु के नाम से सेवा करो और प्रभु के सेवकों के सेवक बन जाओ। कोई भी राजा कितना भी धन से भरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी तुलना उस चींटी से भी नहीं की जा सकती है जिसमें ईश्वर का प्रेम भरा हुआ हो। कभी भी बुरा काम करने की सोचे भी नहीं और ना ही कभी किसी को सताएं। गुरु के द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक है, पूर्ण शांति उनमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है और सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। सांसारिक प्रेम की लो जलाओ और उसकी राख की स्याही बनाओ। अपने हृदय को कलम बनाओ, अपनी बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसकी कोई हद या अंत नहीं है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे हैं। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है
सच्चाई के साथ जीना। अपने जीवन में कभी ये ना सोचें कि यह मुश्किल है। भूमि पर फल पाने के लिए काम सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग उनमें हमको भरना पड़ता है। आप जो भी बीज बोएंगे उसका फल आपको देर सवेर जरूर मिलेगा। जब शरीर मैला हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं, उसी तरह जब हमारा मन मैला हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही साफ किया जा सकता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। बिना गुरु के कुछ भी काम अधूरा होता है। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह शव की तरह है, लेकिन यदि वे इसे दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, इसलिए कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। व्यक्ति अपना बेशकीमती जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सारा जहां रोशन है।